हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लाफ्ट आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं चलिए पैसे आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी अनर्जीज देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वर्क एंड सेक्स ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या तो आपके पार्टनर बहुत गिविंग हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को आपके लिए या फिर उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं और कुछ पाइसिस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दे रहे हैं या फिर यू you नो know, आपको बहुत अपने पार्टनर को कन्विंस करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा उनको लिटरली यू नो उनकी अटेंशन उनका एक लव आपको मांगना पड़ रहा है और कहीं वर्क का कार्ड कहता है कि आप बहुत एफ़र्ट या तो इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट अपने फाइनेंसेस पे आपका फोकस ज़्यादा है देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सा पाइसिस के लिए डिफ़र करेगा फिर से कहूँगी वर्क का कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं या फिर यू नो फाइनेंसेस प्रोफेशनल फ्रंट भी आपके लिए बहुत अहम रह रहा है और होता है ना कभी कभी जब हम बहुत एफ़र्ट करते हैं सामने से उतना रिस्पांस नहीं मिलता या फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई एक बैलेंस बिगड़ रहा है तो हम थोड़े से केयर फ्री हो जाते हैं थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं तो कहीं मिड दिसंबर के लिए द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से केयर फ्री थोड़े से केयरलेस भी इन द प्रोसेस आप हो रहे हैं इन तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और रीज़न सब पाइसिस के लिए डिफर करेगा लेकिन डीपर लेवल के लिए बेड का कार्ड कहता है या तो एक फ़िज़िकल कनेक्ट फिजिकल इंटीमेसी आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं या फिर पार्टनर को लेकर बहुत एक स्ट्रांग डिज़ायर बहुत एक स्ट्रांग यू नो एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं एंड यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ कप्स रिवर्स एंड सेज के कार्ड्स भी इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कहीं एंड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ही वो एक विश है वो एक डिज़ायर है, जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और सेज का कार्ड कहता है जो भी निगेटिव एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में या फिर अदरवाइज़ भी उसको आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्लियर करने पे फोकस कर रहे हैं देखिए सेज हमेशा ही एनर्जी को क्लींस करने के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव मानी जाती है और सेज का कार्ड कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि शायद आप थोड़ा सा एक नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप में और उसको क्लींस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अब देखते हैं पाइसेस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं तो आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए बहुत लव केयर मोहब्बत है और कहीं आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं अब देखिए ये सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है एंगेजमेंट चाह रहे हैं कुछ के लिए लिव इन हो सकता है और जो भी हो कहीं फिर से मैं कहूँगी हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं लेकिन कहीं उस तरीके से या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज़ मसले महसूस कर रहे हैं देखिए एंकर का, का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ज़्यादा वो चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ फाइनली यू नो सेटल डाउन वो करना चाह रहे हैं बट फिर से मैं कहूँगी पाइसेस शायद उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं यहाँ फिर छोटे मोटे इश्यूज मसले महसूस कर रहे हैं यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ वन्स का कार्ड कहता है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं अगेन देखिए लॉन्ग टर्म मींस हमेशा के लिए आपके साथ एक कनेक्शन एक कमिटमेंट वो चाह रहे हैं कहीं थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है तो करंट जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट इतना अहम नहीं रह रहा है कहीं फिर से मैं कहूँगी फ्यूचर गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं या उन पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार किसी चीज़ का वेट भी उनको रहता हुआ दिख रहा है अब कुछ पाइसिस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सही समय का वेट कर रहे हों होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि राइट टाइम आएगा ना तभी हम एक्शन लेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि यू you नो know, आपकी तरफ से पाइसिस किसी एक साइन किसी एक इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं तो फिर से किसी चीज़ का इंतज़ार आपके पार्टनर को रह रहा है कभी कभी प्रोफेशनल फ्रेंड में कुछ चीज़ें अटकी होती हैं और हमें लगता है ये प्रोफेशनल फ्रेंड का काम पूरा हो जाएगा ना फिर हम रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ सिचुएशन सबकमस्टांसिस सब प्राइसिस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा लेकिन फिर से मैं कहूंगी लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है डीपर लेवल के लिए माउंटेन का कार्ड कहता है कुछ ऑब्स्टिकल्स कुछ चैलेंजेस भी वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं अगेन ये सब पाइसिस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा क्योंकि माउंटेन के ऊपर थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड है तो हो सकता है ये इंतज़ार उनके लिए बड़ा मुश्किल रह रहा है वो करना तो चाह रहे हैं इंतज़ार लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ इशूज़ कुछ मसले वो महसूस कर रहे हैं एंड एंड दिसंबर के लिए टेम्परेंस रिवर्स एंड बियर के कार्ड्स कहते हैं कि एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है या तो वो ओवर कर रहे हैं कोई चीज़ अब कोई भी चीज़ हो सकती है जो वो ओवर कर रहे हैं या फिर बहुत कम कर रहे हैं एंड कहीं बहुत प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं थोड़े से अग्रेसिव भी हो रहे हैं बहुत नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जीज़ भी रह सकती हैं और थोड़े से डोमिनेटिंग थोड़े से कंट्रोलिंग भी पाइसिस एंड दिसंबर में आपके पार्टनर रह सकते हैं और इतने सटल वे में रहेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और वो भी इस चीज़ को कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अब देखते हैं पाइसिस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए दिसंबर स्टार्टिंग के लिए सेवन ऑफ सोस रिवर्स का, का कार्ड कहता है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज या फिर चीटिंग बहुत एक हैवी वर्ड होता है अनफेयर एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं अब देखिए इस अनफेयर एनर्जीज के लिए सब पाइसिस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजनस रहेंगे लेकिन डीपर लेवल के लिए राइडर का कार्ड कहता है शायद कुछ टाइम से चीज़ें बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रही हैं एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी नहीं महसूस कर पा रहे हैं या फिर कोई इंसान कोई चीज़ आप दोनों की लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में आ रही है उसको लेकर पहले से ही हमें महसूस हो जाता है ना कि भाई अब ये इंसान आएगा ना तो फिर आपस में इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे या कोई सिचुएशन पहले से ही फोर्स ही कर पा रहे हैं कि भाई आएगी तो इसकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं तो कहीं फिर से मैं कहूँगी राइडर का कार्ड किसी चीज़ के आने की या फिर रिलेशनशिप में चीज़ों के इन एंड आउट होने की बात करता है और इसी वजह से या फिर कोई और भी रीज़न रह सकता है एक अनफ़ेयर एनर्जीज़ एक चीटिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं और कुछ पाइसिस और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं कहीं अप फ्रंट हो चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं कहीं किसी चीज़ से भाग रहे हैं किसी चीज़ से डर रहे हैं और जब भी हम भागते हैं चीज़ों से हम कहीं बैक एंड पे और ज़्यादा उन इश्यूज़ उन प्रॉब्लम्स को एकोमलेट करना शुरू कर देते हैं जो कि उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं और जब हमें रियलाइज़ होता है तो वो चीज़ें इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि फिर हम उनको करेक्ट कर नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत हमारी एनर्जी लगती है तो मैं आपको यही बोलूँगी पाइसिस कि सिचुएशन से सर्कमस्टांसिस से या किसी भी चीज़ से भागे ना अप फ्रंट डील करें एंड मिड दिसंबर के लिए हार्ट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है लेकिन सरफेस लेवल के लिए चीज़ें कहीं उस डायरेक्शन में नहीं मूव करें स्टक एनर्जीज रह सकती हैं कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि लक नहीं फेवर कर रहा है और कहीं देखिए हार्ट के कार्ड में रिकनसीलिएशन फॉगिवनेस भी लिखा हुआ है तो पीछे अगर कुछ इश्यूज मसले हुए तो आप दोनों ही एक दूसरे को फॉगिव करके बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप कहीं चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं लेकर जा पा रहे हैं लेकिन एंड दिसंबर में कहीं चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे मैग्नीफायर का, का कार्ड कहता है छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपको ऐसा मन ही मन लग सकता है पाइसेस कि चीज़ें जैसे दिख रही हैं ना वैसे नहीं हैं और कहीं चीज़ों का कंट्रोल लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहते हैं उस डायरेक्शन में लेते हुए दिख रहे हैं बहुत मच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं एक डिसिप्लिन रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं सिस्टमेटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं और इन द प्रोसेस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रह सकती हैं लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे बेयर का कार्ड था एंड यस yes, किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी एंड दिसंबर में आ सकती है लेकिन अगर आपको ऐसा लगे पाइसिस कि आप बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं हालांकि मुझे आपकी तो एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं या फिर इस तरीके की एनर्जीज़ हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें बाकी एंड दिसंबर में चीज़ें किसी लेवल पर बेहतर होंगी तो ये था पाइसिस आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लफ्ट आरो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें